हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक बंगाली रेसिपी जिसका नाम है मूलो पाता बाटा, यानी मूली के पत्तों का पेस्ट या चटनी भी आप बोल सकते हैं। तो इसे हम किस तरीके से बनाते हैं, ये बनाना बहुत ही आसान है और इसे गरम गरम राइस के साथ एज अ स्टार्टर खाया जाता है। तो ये किस तरीके से बनेगा और इसको बनाना बिल्कुल ईजी है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं मूली के पत्ते। तो मूली के पत्तों को इस तरीके से मैंने वॉश कर लिया था कट करके, और इसके बाद मैं इसे एक बॉईल आने तक कवर करके पकाऊंगी। तो बॉईल आने के लिए मैं इसको कवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बॉईल करने से क्या होगा, इसके अंदर जो एक हल्का सा कड़वापन रहता है वो निकल जाएगा। और इसके साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं 5-6 हरी मिर्च और लिया है गार्लिक। तो इन दोनों का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है, इसीलिए ये ऐड करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर देखिए, आप ये बॉईल हो चुका है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसका जो पानी है उसे मैं ड्रेन आउट कर दूंगी। और ड्रेन आउट करने के बाद जो मूली के पत्ते हैं उन्हें मैं अच्छे तरीके से निचोड़ कर साइड में रख लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मूली के पत्तों का जो पानी है उसे ड्रेन आउट करके अच्छे से इसको निचोड़ लिया है, और निचोड़ने के बाद इसको थोड़ा ड्राई ही रखा है क्योंकि हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो इसके साथ यहाँ पर मैंने पैन में दिया था 1 चम्मच के बराबर मस्टर्ड ऑयल। साथ में जैसे ही तेल गर्म हुआ मैंने इसमें ऐड किया है नाइजीला सीड्स, यानी कालो जीरे, कलौंजी बोल सकते हैं, 1/2 टीस्पून। और ऐड किए हैं मैंने गार्लिक और हरी मिर्च। तो इनको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड करूंगी हल्दी। तो ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर मिक्सिंग जार में मैंने ऐड किया है धनिया। तो धनिया के पत्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ये जरूर ऐड कीजिएगा। और जो मैंने फ्राई किया था लहसुन और हरी मिर्च, तो मैंने उसको भी साथ में इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी मूली के पत्ते। तो मूली के पत्ते यहाँ पर स्क्वीज करके रखे हैं, और जब मैं इसे पीसूंगी तो इसमें मुझे थोड़ा पानी की जरूरत पड़ी थी। तो आप भी इसमें बिल्कुल हल्का हल्का करके पानी ऐड कर सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए। और नमक और चीनी मैंने इसमें ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चीनी ऐड करना बहुत जरूरी है, तभी ये अच्छा टेस्ट देगा आपको। तो नमक और चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। तो इसे पेस्ट बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनका पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल रेडी है। और पेस्ट बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगी, इसे करने जाऊंगी फ्राई। तो पैन में मैं दूंगी 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, और जैसे ही तेल गर्म हुआ तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है मूली के पत्तों का पेस्ट। तो इसे आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से फ्राई किया है, और ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने बोल में ट्रांसफर कर लिया है इसको। तो आप देख सकते हैं कि मेरा मूली के पत्तों का जो बाटा है वो बनकर रेडी है, और एज अ स्टार्टर इसे गरम गरम राइस के साथ आप खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये बनाना बहुत ही ईजी है, और मूली के पत्ते हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो आप इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।